क्या आप लोग जानते हो कि जापान के न्यूज़पेपर में बीच डाल रखते हैं सीड्स ये लोग, ताकि जब वो यूज़ करने के बाद पानी डालते हैं उसके ऊपर तो उनमें से पौधे निकलने लगता है। तो मैं आप तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ क्या ये बिल्कुल सही है और ये हमारे साथ भी होना चाहिए लाइक इंडिया में। वैसे इसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से आगे एक्सप्लेन करूँगा। और क्या आपको पता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो जो न्यूक्लियर वॉर होगा तब उससे 80% पॉपुलेशन उस टाइम पे ही ख़त्म हो जाएगी और बाकी की 20% पॉपुलेशन रेडिएशन के चलते मर जाएगी। इसलिए इंडिया, चाइना, अमेरिका वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते हैं। और क्या आपको पता है कि ब्लैक काले चावल भी होते हैं, वो एक गाँव में पाए जाते हैं लेकिन बाहर के जर्मनी गाँव में पाए जाते हैं। ये फैक्ट सुनते सुनते 35,000 लोग किस कर रहे होंगे, 50,000 लोग हक कर रहे होंगे। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा रेयर जानवर है चीते का किंग, मतलब एक राजा महाराजा होता है, उसकी कुछ अलग ही प्रजाति है और ये दुनिया में सिर्फ 10-12 ही है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर टर्मिनेटर वाले, इनको $21,429 मिल रहे थे इनके हर एक वर्ड बोले जाने पे जो इन्होंने टर्मिनेटर 2 में बोला था। 10 साल के लड़के ने लंदन में 162 IQ स्कोर किया, टेस्ट लिया गया तो उसका IQ आया 162। उस बच्चे ने ऑफिशियली आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग को हरा दिया। हमें स्मार्टेस्ट पर्सन मिल गया फ्यूचर का, अगर ये कुछ बड़ा करता है तो हाँ इसका दिमाग इसके साथ ही काम करेगा। एक रिपोर्टर ने बिल गेट्स से बोला कि आप सारे इंजीनियर्स इंडिया से ही क्यों बुलाते हो, तो बिल गेट्स ने बोला कि अगर मैंने इंजीनियर को इंडिया से हायर करना बंद कर दिया तो दूसरी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंडिया में होगी। मतलब इन लोगों को पता है कि इंडिया के लोग टैलेंटेड हैं, अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिले तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मतलब चलाकी भी है और इंडिया वालों का भी वो है कि चलो उधर जाके कर लेते हैं, यहाँ पर मौका नहीं मिलता। तो चलो आप मुझे बताना आप क्या चाहते हो। सारा डेजर्ट में 2 बार बर्फ़ गिरी थी, एक बार 1979 में और दूसरी बार 2 जनवरी 2012 में। अगर कोई साउथ कोरिया में अगर कोई क्राइम कर देता है, जुर्म कर देता है तो उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी जेल जाना पड़ेगा। ये बहुत सख्त कानून है, तो वहाँ पर जुर्म थोड़े कम है बाकी दुनिया से। 1985 में कोका कोला एम्प्लॉयज़ ने अपनी रेसिपी थम्सअप को भेज दी, थम्सअप के एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उन थम्सअप वालों में बहुत खुददारी थी जिसे कहते हैं, तो उन्होंने रेसिपी ने से मना कर दिया और वापस कर दी। तो ये काफ़ी सही है। अगर किसी का दिल होता है एक गहरे सदमे में, उसके दिल में अगर कोई गहरा सदमा लग जाता है तो और उसकी मौत हो जाती है तो उस सदमे की ब्रोकन हार्ट की मौत को कहेंगे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। ये बहुत डेंजरस मौत है, मतलब बहुत बड़ा सदमा होता है। होटल जर्मनी 3D कारपेट्स यूज़ करती है ताकि उनके गेस्ट भागे ना, डर लगता है सर कि पहाड़ी इलाका है ये, तो भी काफ़ी सही है। 2010 में अमेरिका की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही थी 1700 प्ले स्टेशन गेम खेलने के लिए नहीं बल्कि एक सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, जो कि इन्होंने बना लिया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूज़पेपर्स, पढ़ने के बाद सही से समझने के बाद डस्टबिन में फेंक दिया जाते थे। तो ये जब कोई रिसाइकल करने आता था, उस डस्टबिन को फेंकने आता था, तो उस टाइम पे एक जो न्यूज़पेपर फेंकते हैं ना घर की साइड आके, वो कुछ डालते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि यार ये लोग ये वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से। तो इसने एक ये प्लांट्स बोलते हैं एक बड़ी सी अस्था में गया जिसे बोलते हैं, उसमें जाके इसने बोला कि कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से लोग फेंके ना। तो इन्होंने ऐसा करा, अब फेंकने के बाद ही फ़ायदा है, जहाँ पे ये फेंकते हैं वहीं पे पौधा उग जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सही है। जापान बहुत वेल डन काम करता है। तो बस यार